हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट नंबर वन। यूनिट नंबर वन में हमने जो चैप्टर नंबर वन था वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया था, और इस लेक्चर में हम जो है चैप्टर नंबर टू को कवर करेंगे। ये लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसमें कवर करे जाएंगे। इसमें हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड रॉ मटेरियल यूज फॉर कल्चर मीडिया एंड फिजिकल पैरामीटर्स फॉर ग्रोथ एंड ग्रोथ कर्व। हम ग्रोथ कर्व तक जो है इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हमें बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है, तो चलिए देख लेते हैं। इट फॉर्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक्स दैट डोंट कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स। मतलब ये जो होता है हमारा लार्ज ग्रुप होता है हमारा यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक्स का, जिसके पास हमारा जो है न्यूक्लियस भी नहीं होता और कोई भी मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। ये जो होता हमारा दो तरीके का होता है, पहला आता है हमारा आर्की बैक्टीरिया, दूसरा आता है हमारा यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम एशियंट बैक्टीरिया कहते हैं और यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं। फिर हमारा इसका स्ट्रक्चर आ जाता है कि बैक्टीरिया का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो हमारा सबसे ऊपर होता है वो कैप्सूल होता है, सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है उसे हम कैप्सूल कहते हैं। फिर हमारा उसके नीचे आती है सेल वॉल। फिर हमारा आता है बैक्टीरिया के अंदर जो हमारा इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती है, राइजोसम्स प्रेजेंट होते हैं, और एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं फ्लैजिलम। और बैक्टीरिया के अंदर हमारा जो है साइटोप्लाज्म होता है, और हमारा जो सेल वॉल थी सेल वॉल के अंदर हमारा जो है सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और हमारा इसमें न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट होते हैं, और हमारा मीजोजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए एक एक करके हर सभी पार्ट्स को हम जो है स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है सबसे बाहर वाली लेयर कैप्सूल। कैप्सूल को हम स्टडी करते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट थिक स्लिपी स्ट्रक्चर एंड रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। मतलब ये जो हमारा थिक होता है, मोटा होता है, स्लिपी होता है, और हमारा रिजिड होता है, और हमारा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब लचीला होता है, मोटा होता है, और सबसे बाहर वाली लेयर होती है हमारी बैक्टीरिया की। ये हमारा बना होता है, हमारा इसमें प्रेजेंट होता है 98% वाटर होता है, और हमारा 2% जो होता है वो हमारा ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होता है। इट इज़ आइडेंटिटी ऑफ बैक्टीरिया एंड डिसाइड इट्स वायरुलेंस। मतलब ये जो हमारा बैक्टीरिया की आइडेंटिटी होती है। कैप्सूल जो होते हैं वो हमारे दो तरीके के होते हैं, पहला होता है हमारा मैक्रो कैप्सूल्स और हमारा दूसरा होता है माइक्रो कैप्सूल्स। मैक्रो कैप्सूल्स जो होते हैं वो हमारे 0.2 माइक्रोन से ज़्यादा मोटे होते हैं, और हमारा माइक्रो कैप्सूल जो होते हैं वो हमारा 0.2 माइक्रोन से कम मोटे होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फंक्शन ऑफ कैप्सूल, मतलब कैप्सूल के क्या फंक्शन होते हैं हमारे बैक्टीरिया में। इट गिव्स प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरिया, ये जो था बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देता है। एंड आल्सो गिव शेप साइज टू द बैक्टीरिया, मतलब ये तो शेप और साइज को मेंटेन करता है बैक्टीरिया की। इट आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, ये जो होता है बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है। इट कॉज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी, मतलब ये जो होता है हमारा ह्यूमन बॉडी में डिजीज कॉज कराने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो होता है हमारा अटैचमेंट में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन अटैचमेंट एंड रिपल्शन विद अदर बैक्टीरिया, मतलब ये जो होता है हमारा रिसेप्टर्स के साथ अटैच होने में हेल्प करवाता है, और जो हमारे अदर बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं उनसे हमारा जो है रिपल्शन में हेल्प करता है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन ये थे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है हमारा, इट इज़ आल्सो थिक स्ट्रक्चर, ये जो होता है हमारा थिक स्ट्रक्चर होता है मेड अप विद पेप्टिडोग्लाइकन, ये जो था हमारा पेप्टिडोग्लाइकन लेयर से बना हुआ होता है। इट कैन आइडेंटिफाई बैक्टीरिया एज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, मतलब जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं उनको हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बेस पे हम जो क्लासीफाई करते हैं वो हमारा सेल वॉल के बेस पे ही होता है। मतलब सेल वॉल की वजह से हम जो है बैक्टीरिया को क्लासीफाई कर पा रहे हैं। अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो हमारी 20 से 80 नैनोमीटर थिक होती है। मतलब जो हमारी जिसकी ज़्यादा थिक होगी वो हमारा ग्राम पॉजिटिव होगा, और जिसकी जो हमारा ग्राम नेगेटिव है उसकी हमारी 7 से 8 नैनोमीटर थिक होती है। मतलब बेसिकली इसमें जितनी ज़्यादा थिकनेस होती है सेल वॉल की उतना ही जो होता है वो हमारी ग्राम जो होता है हमारा वो स्टेनिंग होती है, मतलब एक तरीके से एक डाई होती है जो बैक्टीरिया हमारी ग्राम स्टेनिंग को एब्जॉर्ब कर लेता है अपनी सेल वॉल में, तो वो जो होता है हमारा ग्राम पॉजिटिव होता है। अब वो जो है ग्राम पॉजिटिव जो होता है वो हमारा एब्जॉर्ब क्यों कर पा रहा है डाई को, क्योंकि उसकी जो हमारी सेल वॉल की जो लेयर है वो हमारी ज़्यादा मोटी है। अब मोटी होने की वजह से वो जो है डाई को जो है थिक मतलब जो है एब्जॉर्ब कर पा रहा है अपने अंदर, बट हमारा ग्राम नेगेटिव जो होता है वो हमारा एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, क्योंकि इसकी जो लेयर है वो हमारी पतली होती है। इसी बेस पे हम जो है बैक्टीरिया को क्लासिफाई करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के बेस पे। फिर आता है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन शेप एंड आइडेंटिफिकेशन टू द सेल
बैक्टीरिया, मतलब ये जो हमारा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, शेप एंड साइज़ को मेंटेन करने में हेल्प करता है और हमारा आइडेंटिफिकेशन करवाने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? थिन लेयर इन प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरिया, मतलब ये जो हमारा थिन लेयर होती है हमारी, जो कि बैक्टीरिया के ऊपर या फिर प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। इट मेड अप विद फॉस्फोलिपिड बायलेयर, मतलब जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो हमारी फॉस्फोलिपिड से बनी है और हमारा सेल वॉल थी हमारी वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी थी। तो ये हमारा बेसिकली हमारा डिफरेंस आ जाता है सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में। इट एक्ट एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो होता है हमारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? लेस डेवलप न्यूक्लियस, सो इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। मतलब साइटोप्लाज्म में जो होता है हमारा न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा मतलब होता न्यूक्लियस ही है, बट वो जो है हमारा थोड़ा लेस डेवलप होता है, सही से डेवलप नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। इट कंटेन 60% डीएनए, इसमें जो होता हमारा 60% डीएनए होता है, 30% आरएनए होता है और 10% जो होता है वो हमारा प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है हमारा इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी क्या होते हैं? इट स्टोर्ड फूड और फूड ऑफ बैक्टीरिया इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। बेसिकली हमारा इंक्लूजन बॉडी क्या होती है? हमारी ये एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो अपना फूड जो है स्टोर करता है, तो उसे हम कहते हैं इंक्लूजन बॉडी। नेक्स्ट आता है हमारा राइबोसम। राइबोसम आप सब जानते ही हैं, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसम जो होता है हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो हमारा बैक्टीरिया में भी अगर हमारा राइबोसम प्रेजेंट है तो हमारा राइबोसम क्या करवाता है? हमारा बैक्टीरिया में जो हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हमारा हेल्प करता है। बैक्टीरिया कंटेन 70S टाइप ऑफ राइबोसम्स, मतलब हमारा बैक्टीरिया में जो होता हमारा 70S टाइप, मतलब 70S और हमारा 80S, 70S और 80S दो तरीके के हमारे राइबोसम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ हमारा बैक्टीरिया में जो होता हमारा 70S जो हमारा राइबोसम होता है वो प्रेजेंट होता है। फिर आता हमारा मीजोसम्स। मीजोसम्स क्या होता है? इट इज़ स्लाइटली इनसाइड इन सेल वॉल, ये जो होता हमारा स्लाइटली मतलब सेल वॉल के अंदर होता है। इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब ये जो होता हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। इट हेल्प्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन, ये जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन कराने में हेल्प करता है। फिर आता है हमारा फ्लैजिलम। फ्लैजिलम देख लेते हैं। इट इज 15-20 नैनोमीटर थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये जो होता हमारा 15-20 नैनोमीटर लंबा और थिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब बाल की तरह होता है ये। फिर हम इसकी डायमीटर देख लेते हैं। ये जो होता हमारा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है और हमारा इसका 2-5 नैनोमीटर का हमारा इसका जो है डायमीटर होता है, मतलब बेसिकली आप इसको समझ सकते हैं कि ये हम हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। इट वर्क लाइक एन एंटीना, मतलब ये जो हमारा एंटीना की तरह वर्क करता है। विच गिव सिग्नल टू बैक्टीरिया फॉर फूड डेंजर लोकोमोशन एसेट्रा, मतलब ये जो हमारा बैक्टीरिया को सिग्नल देता है खाना, मतलब फूड के लिए, मतलब कोई भी डेंजरस सिग्नल है उसको मतलब जो है ट्रांसफ़र करता है और हमारा लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। एंड मेड अप बाय फ्लैजिलिन प्रोटीन, मतलब ये जो हमारा फ्लैजिलिन प्रोटीन से बना होता है। फिर आता है हमारा पिलाई। पिलाई क्या होता है? इट इज़ स्मॉल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर, मतलब ये भी हमारा जो है स्मॉल थिन होता है हमारा 8-10 मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारे प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं पिलाई। इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया, ये जो हमारा अटैचमेंट में हेल्प करवाता है बैक्टीरिया की विद अदर बैक्टीरिया, मतलब ये एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में अटैचमेंट में हेल्प करवाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो होता है हमारा ह्यूमन बॉडी में भी अटैचमेंट में हेल्प करवाता है। और बैक्टीरिया जो होता है अटैच होने के बाद जो है डिजीज़ कॉज करता है। इट आल्सो हेल्पफुल इन ट्रांसफ़र इन जेनेटिक मटेरियल, ये जो हमारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। इसी के साथ हमारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में क्या है? इसमें हमें जो है क्लासिफिकेशन करनी है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स, मतलब वो कैसा दिखता है, कैसी उसकी अपीयरेंस है, कैसा उसका कलर है, क्या उसकी शेप है, क्या उसका साइज है, उसके बेस पे हमने जो है बैक्टीरिया को क्लासीफाई करना है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस बैक्टीरिया क्लासीफाई इंटू 6 टाइप्स, मतलब उसके एक्सटर्नल इन अपीयरेंस के बेस पे हमने जो है क्लासीफाई कर रखा है बैक्टीरिया को 6 तरीके से। सबसे पहले आता हमारा ट्रू बैक्टीरिया, फिर आता हमारा एक्टिनोमाइसिटीज, फिर आता हमारा स्पायरोकैट्स, फिर आता हमारा माइकोप्लाज्मा, फिर आता हमारा क्लेमाइडिया और हमारा आता है फिर लास्ट रिकेट्सिया। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया को हमने फर्दर 2 क्लासेस में बांटा है, कोकाई और बैसिलस। ट्रू बैक्टीरिया देख लेते हैं होता क्या है। दीज आर रियल बैक्टीरिया, इनको हम रियल बैक्टीरिया कहते हैं। देयर शेप एंड साइज अज सेम अज बैक्टीरिया, मतलब इनका जो शेप और साइज होता है वो हमारा सेम बैक्टीरिया की तरह होता है। इसमें हमारा फर्स्ट आता है कोकस, या इसको हम कोकाई भी कहते हैं। देयर आर
स्फेरिकल एंड ओवल शेप, ये जो होता हमारा स्फेरिकल और ओवल शेप का होता है, दीज आर फर्दर क्लासीफाई अज, इनको हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं कोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राड, स्ट्रेप्टोकोकस और हमारा स्टेफिलोकोकस और सरकाइना। तो इन क्लासेस में हमने फर्दर इसको क्लासीफाई करा गया है। सबसे पहले आता है हमारा कोकस, सो कोकस जो होता है वो हमारा सिंगल सेल होता है इस तरीके से। फिर आता है हमारा डिप्लोकोकस, डिप्लोकोकस में हमारे दो सेल होते हैं जैसा कि आप नाम से बता सकते हैं, इसमें दो सेल है इस तरीके से। फिर आता है हमारा टेट्राड, टेट्राड ग्रुप ऑफ फोर सेल्स, मतलब फोर कोकस का हमारा जो हमारा टेट्राड ग्रुप होता है, चार सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से। फिर आता है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस जो होता है वो हमारा चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से हमारा जो सेल्स जो होते हैं वो हमारा मिलते मिलते मतलब एक दूसरे से जुड़ते जुड़ते हमारा चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। फिर आता है हमारा स्टेफिलोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई क्या होता है हमारा, ये जो होता है हमारा ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे आपने ग्रेप्स देखे होंगे ना गुच्छे टाइप, उस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है, उसे हम कहते हैं स्टेफिलोकोकाई, ये हमारा इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। फिर आता है हमारा सरकाइना, सरकाइना क्या होता है हमारा, ये क्यूब लाइक शेप्ड होता है, मतलब क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें जो होता है हमारा क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हमारे सेल्स जो होते हैं वो अरेंज होते हैं, उसको हम कहते हैं सरकाइना। फिर सेकंड आ जाता है हमारा बैसिलाई और बैसिलस, मतलब बैसिलाई और बैसिलस हम इसको कहते हैं, दीज आर रोड शेप, मतलब पहले क्या था हमारा स्फेरिकल था, फिर ये हमारे बैसिलस जो होते हैं वो हमारे होते हैं रोड शेप बैक्टीरियाज, दीज आर फर्दर क्लासीफाई अज, मतलब इनको भी हमने फर्दर क्लासीफाई कर रखा है। फिर हमारा फर्दर जो हमारा बैसिलस होते हैं उनको फर्दर क्लासीफाई कर रखा है कोको बैसिलाई में, ये हमारा होता है इस तरीके का सेल होता है। फिर आता है हमारा बैसिलस, बैसिलस जो होता है वो हमारा थोड़ा थिक होता है। फिर आता है हमारा डिप्लो बैसिलाई, डिप्लो बैसिलाई में हमारे दो सेल्स होते हैं। फिर आता है हमारा स्ट्रेप्टो बैसिलाई, स्ट्रेप्टो बैसिलाई में हमारा चेन लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा बैसिलस, मतलब रोड शेप सेल्स जो होते हैं वो हमारे चेन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। फिर आता है हमारा पल्लीसेड, पैलीसेड्स में हमारा जो आपने प्लांट सेल्स देखे होंगे उसके जो हमारे लीव्स होते हैं उसमें हमारा पैलीसेड्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, उसी तरीके से हमारा यहाँ भी इस तरीके से अरेंज होते हैं। फिर आता है हमारा क्लब रोड, क्लब रोड जो होता है हमारा इस तरीके का होता है। फिर आता है हमारा इनलार्ज रोड सेल्स, मतलब इनलार्ज रोड जो होता है वो हमारा बेसिकली हमारा ऐसा होता है रोड शेप का होता है और उसमें हमारा जो है पिलाई प्रेजेंट्स होते हैं। फिर आती है हमारी सेकंड क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन में आता है हमारा एक्टिनोमाइसिडीज, ये जो होते हैं हमारे रिजिड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये हमारे रिसेंबल करते हैं फंजाई से एंड दे एग्जिबिट ब्रांचिंग, मतलब ये जो था हमारा ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है इसमें एंड टेंस टू फॉर्म फिलामेंट्स, और ये हमारा फिलामेंट्स का फॉर्मेशन भी करते हैं। बेसिकली इट इज़ ग्राम पॉजिटिव, ये जो हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं मोस्टली प्रेजेंट इन सॉइल, ये जो हमारा मतलब मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं। फिर आता हमारा थर्ड आता हमारा स्पायरोकैट्स, स्पायरोकैट्स क्या होता है हमारा, दीज आर रिलेटिवली लॉन्गर स्लेंडर एंड नॉन ब्रांच्ड, ये जो हमारा लंबे होते हैं स्लेंड्रिकल शेप होती है हमारी और हमारा नॉन ब्रांच मतलब ब्रांचिंग इसमें नहीं होती है, ये जो होता हमारा स्पायरल शेप के होते हैं, मतलब स्पायरल आपने देखा होगा ना स्पायरल शेप उस तरीके के होते हैं ये। बेसिकली इट इज़ ग्राम नेगेटिव, ये जो हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं इसमें हमारा जो है डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनकी लेंथ जो होती है हमारी 3 माइक्रोन से 500 माइक्रोन तक होती है। इट मे बी कोकस और बैसिलस, ये जो होता हमारा कोकस भी हो सकते हैं और बैसिलस भी हो सकते हैं। फिर आता हमारा फोर्थ आता हमारा माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा क्या होता है, दीज आर ओवल शेप्ड, ये जो हमारा ओवल शेप के होते हैं, दीज आर लैक इन रिजिड सेल वॉल, इसमें जो होता हमारा रिजिड सेल वॉल एबसेंट होती है एंड नॉट डेवलप प्रॉपरली, मतलब ये जो होता हमारा अनडेवलप्ड होते हैं सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं। लुक लाइक अज वायरस सेल, मतलब ये जो होता है हमारा वायरस सेल्स की तरह दिखते हैं, नॉट सेल मेम्ब्रेन नॉट डेवलप, मतलब सेल मेम्ब्रेन भी इनकी अनडेवलप होती है। सम ऑर्गेनलीज एंड डीएनए प्रेजेंट, कुछ ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है और उसमें डीएनए प्रेजेंट होते हैं, और हमारा सबसे स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा माइकोप्लाज्मा की कैटेगरी में ही आता है। एंड इट इज़ कॉज्ड डिजीज इन एनिमल्स, ये जो होता है हमारा एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं। फिर आता हमारा फिफ्थ क्लासिफिकेशन, फिफ्थ में आता हमारा रिकेट्सिया, रिकेट्सिया क्या होता है हमारा, दीज आर लुक लाइक फिलामेंट्स, ये जो होता है हमारा फिलामेंट्स की तरह दिखते हैं, इन विच नो ब्रांचेज एंड नो चेन प्रेजेंट, जिसमें हमारा कोई भी ब्रांचेज नहीं है और कोई भी हमारा चेन प्रेजेंट नहीं है, ये हमारा जो है सिंपल फिलामेंट की तरह दिखते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल, ये जो होता हमारा नॉन मोटाइल होते हैं, बेसिकली इट इज़ ग्राम नेगेटिव, ये जो हमारा ग्राम नेगेटिव होते हैं, इट्स डायमीटर इज़ 0.1 से लेकर हमारा 0.4 माइक्रोन तक जो होता है हमारा इसका डायमीटर होता है। हमारा लास्ट कैटेगरी आती है क्लमाइडिया, क्लमाइडिया क्या होता है हमारा, ये ओवल शेप के होते हैं, इसमें जो होता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन और हमारा प्रोटीन दोनों ही प्रेजेंट होते हैं।
इट इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज़ इन द ह्यूमन आई। ये जो होता है हमारा ह्यूमन आई के अंदर मतलब डिजीज़ कॉज करते हैं, और यही जो होते हैं सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ह्यूमन आई में कोई भी अगर डिजीज़ होती है तो ज़्यादातर उसमें जो है क्लैमाइडिया बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से हमारा जो है ह्यूमन आई में डिजीज़ होती है। तो इसी के साथ हमारा जो क्लासिफिकेशन होती है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया वो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में हमें क्या पढ़ना है, इसमें हमें बेसिकली उन रिक्वायरमेंट्स के लिए पढ़ना है कि जैसे हमारा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको ग्रोथ करने के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिएंट्स की, इसी तरीके से हमारा जो बैक्टीरिया है जब वो लिविंग होगा तो उसको जो हमारा ग्रोथ करने के लिए उसे हमारा मतलब जो है लिविंग रहने के लिए जो हमारा कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूट्रिएंट्स की उसे हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स में कि कौन कौन सी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स होती है हमारी ग्रोथ करने के लिए बैक्टीरिया को। इसमें आ जाता है ऑल लिविंग बींग्स रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। सभी लिविंग बींग्स को हमारा जो है रिक्वायर कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनकी ग्रोथ करने के लिए। इसी तरीके से हमारा बैक्टीरिया आल्सो नीड दिस फॉर ग्रोथ, मतलब बैक्टीरिया को भी कुछ ज़रूरतें होती हैं उसकी ग्रोथ शो करने के लिए। इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स में हमारा जो है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं। दीज एलिमेंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया, ये जो तो हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, ये जो तो हमारा लार्ज अमाउंट में रिक्वायर होते हैं ज़रूरी होते हैं। इसमें हमारा आ जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है वो हमारा बैक्टीरिया को कहाँ से मिलता है, वाटर से। फिर आता है हमारा कार्बन और नाइट्रोजन। कार्बन और नाइट्रोजन हमारे बैक्टीरिया को कहाँ से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। फिर आता है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है हमारे बैक्टीरिया को, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से। फिर आता है हमारा सल्फर एंड फॉस्फोरस। सल्फर और फॉस्फोरस जो होता है हमारा बैक्टीरिया कहाँ से लेगा, कोएंजाइम्स या फिर हमारा जो है न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसमें हमारा सल्फर्स और हमारा फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से जो बैक्टीरिया जो होता है वो वहाँ से सल्फर और फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है। फिर सेकंड आता है हमारे इसमें वाटर। वाटर जो होता है मॉइस्चर इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। वाटर जो होता है मॉइस्चर जो होता है वो हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है, मतलब अगर वाटर नहीं होगा तो बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा। अस 80% ऑफ बैक्टीरिया सेल कंसिस्ट वाटर। जैसा कि आपने बैक्टीरिया सेल्स के अभी पीछे पढ़ा होगा कि हमारा 85% जो होता है बैक्टीरिया में पानी प्रेजेंट होता है, तो अब इसके बिना हमारा वाटर के बिना जो हमारा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, तो हमारा वाटर जो होता है बहुत ही एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। फिर आता है हमारा मिनरल सोर्स। मिनरल सोर्स क्या होता है, दीज आर पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम फेरस कॉपर कोबाल्ट मैग्नीज और हमारा जिंक रिक्वायर्ड इन लिटल अमाउंट। कुछ हमारे आयंस जो होते हैं वो हमारा लिटल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं फॉर एंजाइम फंक्शनिंग, मतलब एंजाइम फंक्शनिंग के लिए हमारे कुछ जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं या हम कह सकते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारे वो हमारे कुछ लिटल अमाउंट में बहुत ही कम अमाउंट में मतलब रिक्वायर होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, जो कि हमारा फंक्शन करते हैं एंजाइमेटिक फंक्शन करते हैं। एंड इट प्रोवाइड इन टैप वाटर एज कॉन्टेमिनेंट्स ऑफ अदर मीडियम इंग्रेडिएंट्स। बेसिकली हमारा ये प्रोवाइड कहाँ से होते हैं हमारे, जैसे हम टैप वाटर यूज़ होता है हमारा मतलब कल्चर मीडिया में अगर हम टैप वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हम टैप वाटर से हमारे बहुत सारे मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे प्रेजेंट होते हैं टैप वाटर में, तो वहाँ से हमारा जो है मिनरल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है। बट अगर हम डिस्टिल्ड वाटर यूज़ कर रहे हैं किसी भी जो हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए हम अगर डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जो होता है हमारा कुछ मिनरल्स जो होते हैं हमारा हम अलग से ऐड करते हैं उसमें, ताकि उसमें एंजाइमेटिक फंक्शन जो है परफॉर्म हो जाए और जो हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो कई बार जो हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो हमारी ऑटोमेटिक होती है, बट कई बार जो होता है हम अपने यूज़ के लिए या फिर हम जो है रिसर्च पर्पस के लिए हम बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं, तो उसके लिए हमारी ये रिक्वायरमेंट्स की स्टडी जो होती है बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए हम जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स भी बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिक्वायर्ड बाय ऑल बैक्टीरियाज। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारी रिक्वायर होती है सभी बैक्टीरियाज के लिए, एंड मच मोर इंपॉर्टेंट फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म, मतलब हमारे सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जो है इंपॉर्टेंट होती है। इट कैन बी प्रोवाइडेड बाय एटमोसफेयर टू बैक्टीरिया, मतलब ये जो था हमारा एटमोसफेयर में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारा बैक्टीरिया वहाँ से ले लेता है। तो मतलब बेसिकली कहाँ से फुलफिल हो रही है कार्बन मतलब एनर्जी सोर्स कहाँ से आ रहा है हमारा, एटमोसफेयर से। फिर फिफ्थ आता है हमारा न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स में क्या आता है, द न्यूट्रिएंट्स ऑफ कल्चर मीडिया आर सेलेक्टेड टू रिकवर द रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सैंपल, मतलब बेसिकली हमारा न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, हमारा न्यूट्रिएंट्स जो होता है वेरी करता है हम किस तरीके का जो हमारा बैक्टीरिया जो होता है हम ग्रो करवाना चाहते हैं, मतलब एरोबिक और हमारा इन एरोबिक।
हमारा एनारोबिक और एरोबिक दोनों के लिए हमारा जो है अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारे जो है यूज़ होते हैं। इसको आप अभी आगे फर्दर मतलब अभी नेक्स्ट पार्ट में इसको स्टडी करेंगे जब हम कल्टीवेट कराएंगे हमारा एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरियाज़ को जब हम कल्टीवेट कराएंगे। तो इसको आप अभी इतना ही समझ लीजिए कि मतलब अलग अलग हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारा अलग अलग रिक्वायर होते हैं दोनों के लिए, जो हमारा एरोबिक होता है और एनारोबिक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर क्या होता है? फॉर ग्रोथ पर्पस नीड बैक्टीरिया नीड्स प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। मतलब ग्रोथ के लिए जो होता है हमारा बैक्टीरिया को प्यूरिन और पिरिमिडिन की ज़रूरत होती है, उसे हम कहते हैं ग्रोथ फैक्टर। इट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मतलब जो हमारा ग्रोथ फैक्टर्स होता है वो हमारा डीएनए की फॉर्मेशन में और आरएनए की फॉर्मेशन के लिए हमारा इंपॉर्टेंट होता है। एंड आल्सो फॉर सेल डिवीज़न, मतलब सेल डिवीज़न में भी हमारे जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर हमारा आता है विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है? इट इन मैनी केसेज द ग्रोथ फैक्टर्स आर आइडेंटिकल विद विटामिन्स ऑफ बी ग्रुप। मतलब जो हमारे ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे सेम होते हैं विटामिन्स बी ग्रुप के साथ। जैसे हमारा विटामिन जो थायमिन होता है जिसको हम राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B12 होता है, फोलिक एसिड होता है, निकोटिनिक एसिड होता है। बेसिकली ये दोनों जो होते हैं हमारा सेम फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये जो होता है हमारा डीएनए और आरएनए की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और हमारा सेल डिवीज़न में भी हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया सिंपल आप इस तरीके से समझिए कि हमारा एक मीडिया है जो हमने अलग से मतलब स्पेशल बनाया हमें कल्टीवेट करने के लिए बैक्टीरिया की मतलब बैक्टीरिया को हमारा जो है ग्रो कराने के लिए हम एक मीडिया बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कल्चर मीडिया। इस मीडिया में जो हम सभी न्यूट्रिएंट्स जो भी हमारा जो हमारे बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है वो सब हम जो है न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रोवाइड करवाते हैं। और हम उसमें जो होता है हम फिर थोड़े से बैक्टीरिया जो होते हैं हम उसमें इनोकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो जो हम फिर ग्रोथ होता है उसमें हम ग्रोथ सबसे पहले क्या करते हैं, हम कल्चर मीडिया लिया जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं। फिर हम उसमें जो होते हैं थोड़े से बैक्टीरिया डाल देते हैं जिससे वो जो हमारा ग्रो हो सके, जिसे हम कहते हैं इनोकुलेशन। फिर हम उसमें जो होते हैं बैक्टीरिया डालने के बाद उसको हम इनक्यूबेट कर देते हैं। इनक्यूबेट करने में क्या होता है हमारा उसका जो होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर और हमारा ह्यूमिडिटी मेंटेन रहती है। फिर हम जो है इनक्यूबेटर से हमारा मतलब 1 या 2 वीक्स में हम जब निकालेंगे तो उसमें जो है बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो बेसिकली ये वो मीडिया होता है जो कि हमारा बैक्टीरिया को कल्टीवेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। दैट मीडिया इन विच बैक्टीरिया इज़ बर्थ और ग्रो। कल्चर मीडिया कंटेन ऑल एसेंशियल मटेरियल्स विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली हमारा इसमें जो होता है सभी जो है एसेंशियल मटेरियल प्रेजेंट होता है जो कि हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम जो है यूज़ करते हैं हम किसी भी बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए या फिर उसको बर्थ करने के लिए। मतलब बेसिकली हम जो है बैक्टीरिया को ग्रो करा रहे हैं फॉर रिसर्च पर्पस, या फिर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके लिए हम जो है किसी बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए हम जो है किसी भी बैक्टीरिया को कल्टिवेट करते हैं, तो वो हम जो है कल्चर मीडिया के थ्रू करते हैं। अब कल्चर मीडिया जो होता है फर्दर क्लासीफाई होते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देखनी है। इट इज़ बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी के बेस पे हम जो है कल्चर मीडिया को 3 क्लासेस में डिवाइड करा है। सबसे पहले होता है हमारा सॉलिड, फिर आता है हमारा सेमी सॉलिड, फिर आता है हमारा लिक्विड। अब आप एक बात को ध्यान से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्चर मीडिया को कभी भी हम जब सॉलिड करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन के लिए हम एक कंपोनेंट डालते हैं उसमें जिसको हम कहते हैं अगार। अगार जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ये एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ अ सॉलिडिफिकेशन, मतलब सॉलिडिफाइंग एजेंट, मतलब जो हमारा कल्चर मीडिया होता है उसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट कौन सा हम डालते हैं, तो उसमें आपको लिखना है अगार। इसको हम जो है फिर आता है बेस्ड ऑन कंपोजिशन। कंपोजिशन के बेस पे हमने जो कल्चर मीडिया को 2 क्लासेस में डिवाइड करा है, सिंथेटिक और नॉन सिंथेटिक। फिर आता है हमारा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब एप्लीकेशन के बेस पे हमने जो कल्चर मीडिया को इन क्लासेस में डिवाइड करा है, इसमें आ जाता है हमारा बेसिक कल्चर मीडिया, फिर आता है इनरिच कल्चर मीडिया, फिर आता है हमारा सेलेक्टिव कल्चर मीडिया, फिर आता है हमारा इन्वायरमेंटल कल्चर मीडिया, फिर आता है हमारा डिफरेंशियल कल्चर मीडिया, फिर आता है हमारा ट्रांसपोर्ट कल्चर मीडिया, फिर आता है हमारा एनारोबिक कल्चर मीडिया, और हम आता फिर लास्ट आता है हमारा ऐसे कल्चर मीडिया। तो इन क्लासेस में हमने जो है उसके फंक्शन या फिर उसकी एप्लीकेशन के बेस पे जो हमने कल्चर मीडिया को डिवाइड करा है। बेसिकली मोस्ट कॉमन जो होता है आपका इसमें होता है, अगर आपके एग्जाम्स में आएगी तो आप ये लिख के आइएगा सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रॉ मटेरियल्स यूज्ड। रॉ मटेरियल यूज़ में इसमें हमें क्या स्टडी करना है, इसमें हमें उन मटेरियल्स के बारे में स्टडी करना है जो कि हमारा कल्चर मीडिया बनाने में हेल्पफुल होते हैं। मतलब जिन मटेरियल्स का हम कल्चर मीडिया बनाने में यूज़ करते हैं उनकी हमें स्टडी करनी है रॉ मटेरियल्स में। मतलब कौन कौन से रॉ मटेरियल्स जो होते हैं हम ऐड करते हैं जिसकी हेल्प से हम कल्चर मीडिया बनाते हैं।
बेसिकली आपको माइक्रोबायोलॉजी में जो है बैक्टीरिया की स्टडी करनी है कि बैक्टीरिया हम कैसे ग्रो कराते हैं, कैसे जो हम कल्चर मीडियम में हम उसको कल्टीवेट करते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं बैक्टीरिया की कि हमने सबसे पहले कल्टीवेट कर लिया कि हमने कल्चर मीडियम में हमने बैक्टीरिया डाला और वो कल्टीवेट हो गया। अब कल्टीवेट होने के बाद उसमें जो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, फिर हम उसको बैक्टीरिया को क्लासीफाई करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये सब जो है आपको स्टडी करनी है माइक्रोबायोलॉजी में। तो ये वैसे बहुत इजी है अगर आप इसको स्टार्टिंग से समझ के चलेंगे तो ये बहुत ही इजी है, और आप इसको मेरे हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट याद करिएगा ताकि आप इसको जो है ये एग्ज़ाम तक भूले ना। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है रॉ मटेरियल्स यूज में, द मटेरियल्स विच आर यूज इन द मेकिंग ऑफ कल्चर मीडिया। इसमें हमें उन मटेरियल्स की स्टडी करनी है जो कि हमारा कल्चर मीडिया बनाने में यूज़ होते हैं। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है वाटर। इन बैक्टीरिया 70-80% जो होता है हमारा वाटर प्रेजेंट होता है। इट इज़ यूज एज वहीकल फॉर फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब बैक्टीरिया जो होता है हमारा बैक्टीरिया में 70-80% वाटर होता है, तो इस वजह से हमारा जो वाटर जो होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। और वाटर जो होता है वो हमारा फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट्स को फ्लो कराने में भी हेल्प करता है, मतलब यूनिफॉर्मली जो हमारा कल्चर मीडिया होगा उसमें यूनिफॉर्मली हमारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स डालेंगे वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उस वो भी हमारा कौन करता है, हमारा वाटर करता है। डिस्टिल्ड वाटर इज़ प्रेफर्ड इज़ यूज बिकॉज द आयंस ऑफ टैप वाटर गेट रिएक्ट विद पेप्टोन्स, मतलब हमारा जो डिस्टिल वाटर होता है वो यूज़ करा जाता है क्योंकि हमारा टैप वाटर जो होता है उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं और जो आयंस जो होते हैं वो हमारे पेप्टोन्स के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेप्टोन्स। पेप्टोन्स के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ये जो होता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक होता है। इट इज़ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्शियल डाइजेस्टिव प्रोटीन्स, ये जो होता है हमारा पेप्टोन्स क्या होता है हमारा पार्शियली डाइजेस्टिव प्रोटीन्स होते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम द मीट हार्ट मसल्स एंड सोया मिल्स, मतलब पेप्टोन्स जो होते हैं वो हम कहाँ से लाते हैं, ये जो होता है हमारा हार्ट मसल्स होती है और हमारा जो मीट होता है रेड मीट होता है या फिर हम सोया मिल्स होती है उसको हम जो है पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, फिर जो हमारा बचता है उसे हम कहते हैं पार्शियली डाइजेस्टिव प्रोटीन जिसको हम पेप्टोन्स के नाम से जानते हैं। इट कंटेन सर्टन ग्रोथ फैक्टर्स, इसमें जो होता है हमारा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट विच इज सप्लाई नाइट्रोजनस मटेरियल्स, जो कि हमारा नाइट्रोजनस मटेरियल्स सप्लाई करते हैं मतलब नाइट्रोजन सप्लाई करता है, एंड आल्सो एक्ट एज बफर्स, और ये जो होता है हमारा बफर की तरह भी एक्ट करते हैं। बेसिकली हमारे पेप्टोन्स के अंदर क्या क्या होता है, हमारा पेप्टोन्स के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और हमारा नाइट्रोजनस मटेरियल होता है और हमारा ये जो होता है बफर की तरह एक्ट करता है, तो ये तीन जो फंक्शन होते हैं वो हमारे पेप्टोन्स के होते हैं। फिर आता है हमारा मीट एक्सट्रैक्ट। मीट एक्सट्रैक्ट में क्या होता है, इट कंटेन जेलेटिन प्रोटीज क्रिएटिन एंड प्यूरिन एंड ग्रोथ फैक्टर्स, इसमें क्या होता है हमारा मीट एक्सट्रैक्ट में हमारा जेलेटिन होता है, प्रोटीज एंजाइम होता है, क्रिएटिन होता है, प्यूरिन होता है और हमारा कुछ ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ, जो कि हमारा ग्रोथ के लिए मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम लीन मीट, मतलब ये जो था हमारा फ्रेश लीन मीट से हमारा जो है प्रिपेयर्ड होता है, बाय हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन, मतलब लीन मीट को हम जो है हॉट वाटर एक्सट्रैक्शन के थ्रू हम इसमें से मीट एक्सट्रैक्ट मतलब जो है कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अगार। अगार जो होता है हमारा इट इज़ इम्पॉर्टेंट मटेरियल फॉर कल्चर मीडिया, ये जो होता है हमारा इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है हमारा कल्चर मीडिया का, एंड इट इज़ यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड मीडिया, मतलब ये जो होता है हमारा सॉलिड कल्चर मीडिया के लिए हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगार। बेसिकली हमारा ये जो होता है सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज़ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीसेक्राइड्स ऑब्टेन फ्रॉम सीवीड्स एल्गी, मतलब ये जो होता है हमारा लॉन्ग चेन होता है पॉलीसेक्राइड्स का जो कि हमारा सीवीड मतलब ये जो होता है एल्गी जो होता है हमारा उसमें से एक्सट्रैक्ट आउट करा जाता है। इट इज़ गुड सॉलिडिफाइंग एजेंट, ये जो होता है हमारा बहुत ही अच्छा सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है। इट इज़ ईजली अवेलेबल, ये जो हमारा ईजली अवेलेबल होता है। इट हैज़ नो न्यूट्रिशनल वैल्यू इन मीडिया, मतलब इसका हमारा जो अगार है उसकी कोई भी न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती हमारी कल्चर मीडिया में, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ हमारा कल्चर मीडिया को सॉलिडिफाई करता है, इसका मतलब कोई भी इसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंट नहीं होता जो कि हमारा बैक्टीरिया इनटेक करे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ईट एंड डिस्ट्रॉय इट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारा इसको ईट भी नहीं कर सकते और हमारा इसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, बेसिकली हमारा ये एज इट इज़ जो होता है हमारा कल्चर मीडिया में प्रेजेंट रहता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ईस्ट एक्सट्रैक्ट। ईस्ट एक्सट्रैक्ट क्या होता है हमारा, इट कंसिस्ट ऑफ सेल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ईस्ट विदाउट सेल वॉल, बेसिकली हमारा जो है सेल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है हमारा ईस्ट का जिसमें हमारा जो सेल वॉल होती है वो हमारी एबसेंट होती है। इट कंटेन कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड्स ग्रोथ फैक्टर्स एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, इसमें जो होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं और हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं।
यूज्ड मेनली एज सोर्स ऑफ विटामिन, ये जो तुम्हारा सोर्स ऑफ विटामिन की तरह यूज़ करा जाता है, एंड सब्सटीट्यूएंट फॉर मीट एक्सट्रैक्ट, मतलब मीट एक्सट्रैक्ट का सब्सटीट्यूएंट है। अब इसमें बेसिकली हमारा जो है कल्चर मीडियम हम क्या क्या डालते हैं, सबसे पहले हमारा जो है वाटर डालते हैं, फिर हम पेप्टोन डालते हैं, और फिर हम अगार डालते हैं। ये तीन चीज़ें तो हमारी कन्फर्म है ही है, बट हमारा जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट है और हमारा मीट एक्सट्रैक्ट, इन दोनों में से कोई भी हमें जो है एक डालना होता है। ये दोनों अगर हम ईस्ट एक्सट्रैक्ट डाल देंगे तो ये जो होता है हमारा, मतलब तब भी हमारा कल्चर मीडिया जो होता है बहुत बढ़िया बन जाता है। अगर हम इसकी जगह जो है हम मीट एक्सट्रैक्ट भी डाल सकते हैं, तो इन दोनों में जो होता है हमारा ऑप्शन होता है, कोई भी हम एक डालना ज़रूरी होता है। तो बेसिकली हमारा जो है चार हमारे इंपॉर्टेंट जो हमारे रॉ मटेरियल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं, हमारे वाटर, पेप्टोन्स, अगार और हमारा मीट एक्सट्रैक्ट। चलिए अभी तक हमने जो है रॉ मटेरियल्स की स्टडी कर ली है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स जो होते हैं वो हमारा यूज़ होते हैं कल्चर मीडिया को बनाने में। अब हम देख लेते हैं फिजिकल पैरामीटर्स। फिजिकल पैरामीटर्स क्या होते हैं, मतलब ये वो मतलब कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। इसमें हमारा कौन कौन से, मतलब बेसिकली फिजिकल पैरामीटर्स में हमें वो पढ़ना है कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो कि हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला फैक्टर आ जाता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स फॉर ग्रोथ। टेम्परेचर जो होता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। डिफरेंट बैक्टीरिया ग्रो एट डिफरेंट टेम्परेचर। अलग अलग बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे अलग अलग डिफरेंट टेम्परेचर पर जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। दैट टेम्परेचर बैक्टीरिया ग्रो रैपिड एंड मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर जिस पर हमारा बैक्टीरिया जो होता है बहुत ही अच्छी ग्रोथ शो करता है, वो टेम्परेचर हम कहते हैं ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर, जो कि हमारा मतलब वो टेम्परेचर होता है जो कि हमारा बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बहुत ही ऑप्टिमम होता है, बहुत ही मतलब ज़रूरी होता है, जिसमें हमारा सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमम ग्रोथ टेम्परेचर। फिर आता है द हाइएस्ट टेम्परेचर एट विच माइक्रोब्स शो ग्रोथ इज नॉन एज मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर, मतलब सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे हमारा जो हमारा बैक्टीरिया जो है अपनी ग्रोथ शो करता है, मतलब थोड़ी सी भी ग्रोथ शो करे बट हम अपनी जो है ग्रोथ शो करना ज़रूरी है, उस हाईएस्ट टेम्परेचर को हम कहेंगे मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर। मतलब मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर कौन सा होता है, सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर जहाँ पे हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो हमारी ग्रोथ शो कर सकता है, उसे हम मैक्सिमम ग्रोथ टेम्परेचर कहते हैं। इसी द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच माइक्रोब्स शो ग्रोथ इज नॉन एज, मतलब जो हमारा लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर हमारा माइक्रोब जो है अपनी ग्रोथ शो करता है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं मिनिमम ग्रोथ टेम्परेचर। मतलब नेक्स्ट हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई करा है टेम्परेचर के बेस पे। इसमें हमारा सबसे पहले आ जाता है साइक्रोफाइल्स, जो कि हमारा 0 से 15 डिग्री सेल्सियस पे हमारा ग्रोथ है। फिर आता है हमारा मेसोफाइल्स, जो कि हमारा 20 से 40 सेंटी मतलब सेल्सियस पे हमारा जो है ग्रोथ होते हैं। फिर आता है हमारा थर्मोफाइल्स, जो कि हमारा 45 डिग्री सेल्सियस से हमारा 70 डिग्री सेल्सियस तक हमारा जो है ग्रोथ होती है जिसमें। तो हमने टेम्परेचर के बेस पे हमने जो है बैक्टीरियाज़ को क्लासिफाई करा है। फिर सेकंड हमारा फैक्टर आता है लाइट। लाइट जो होता है हमारा, बैक्टीरियाज आर लाइट सेंसिटिव एंड अदर रेडिएशंस, सो डार्कनेस इज़ यूजली फेवरेबल फॉर ग्रोथ। मतलब बैक्टीरिया जो होता है हमारा लाइट सेंसिटिव होता है, और हमारा कोई भी रेडिएशन से हमारा जो है सेंसिटिव होता है हमारा, इसलिए हमारा जो बैक्टीरिया होता है वो हमारा यूजली डार्कनेस मतलब अंधेरे में जो हमारा ग्रो करवाते हैं हम बैक्टीरिया को। फिर थर्ड आता है हमारा पीएच। पीएच जो होता है, ऑल बैक्टीरिया ग्रो इन सर्टन पीएच रेंज। जिस तरीके से हमारा सभी बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे अलग अलग टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, उसी तरीके से हमारा सभी बैक्टीरिया जो होते हैं अलग अलग पीएच पे हमारा जो है ग्रो करते हैं। तो पीएच के अकॉर्डिंग भी हमने बैक्टीरिया को हमने क्लासीफाई करा है। सबसे पहले आता है हमारा एसिडोफाइल्स, जो कि हमारा मतलब एसिड लविंग होते हैं, जो कि हमारा एसिडिक मतलब इन्वायरमेंट में ग्रो करते हैं। ये होता हमारा एक से साढ़े छः पीएच तक जो होता है हमारा उसमें जो ग्रो करेंगे उसे हम कहेंगे एसिडोफाइल्स। फिर आता हमारा न्यूट्रोफाइल्स। न्यूट्रोफाइल्स क्या होते हैं हमारे, ये वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारा 6.5 से 7.5 पीएच में जो होता है हमारा उसमें ग्रो करते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रोफाइल्स। फिर आता हमारा एल्केलोफाइल्स। एल्केलोफाइल्स क्या होते हैं, जो कि हमारा मतलब बेसिक लवर होते हैं, मतलब जो कि हमारा बेसिसिटी को हमारा लव करते हैं उसमें हमारा ग्रो होते हैं। वो होता है हमारा 7.5 से 14 पीएच जो होता है उसमें हमारा जो ग्रोथ होगी हमारे बैक्टीरिया की, उन बैक्टीरियाज को हम कहेंगे एल्केलोफाइल्स। नेक्स्ट आता है हमारा गैसियस रिक्वायरमेंट्स। गैसियस रिक्वायरमेंट्स में भी हमारा आ जाता है द प्रिंसिपल ग्रोथ दैट अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो हमारी गैसेस होती हैं वो भी हमारी अफेक्ट करती हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को। इसमें हमारा आ जाता है ऑक्सीजन और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों ही हमारी जो है गैसेस होती है, मतलब अलग अलग बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हमारा अलग अलग गैस को हमारा रिक्वायर करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए।
हमारा एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारा ऑक्सीजन को रिक्वायर करते हैं, मतलब उनको जो है ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। वहीं अगर हमारा फोटोसिंथेटिक या फिर हम कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज देखें तो उन्हें जो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट होती है अपनी ग्रोथ के लिए। तो ये होता है हमारा गैसेस रिक्वायरमेंट। फिर लास्ट पैरामीटर आता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है हमारा बैक्टीरिया कैन टॉलरेट ऑस्मोटिक वेरिएशन ड्यू टू मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ की वजह से हमारा जो है बैक्टीरिया अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर को जो है टॉलरेट कर सकता है। मतलब जितनी ज़्यादा मोटी सेल वॉल होगी उतना ही ज़्यादा इसमें टॉलरेशन पावर होगी, मतलब उतना ही ज़्यादा जो है ये ऑस्मोटिक प्रेशर को टॉलरेट करेगा। तो उसमें हमारा सेल वॉल के अकॉर्डिंग जो होता है हम उसको मतलब सॉल्ट कंटेंट जो होता है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। दे कैन ग्रो मीडिया विद वेरिंग कंटेंट ऑफ सॉल्ट शुगर एंड अदर सॉल्यूट्स, मतलब उसके सेल वॉल के अकॉर्डिंग जो है हम उसमें सॉल्यूट्स कंटेंट रखते हैं उसके कल्चर मीडियम में। क्योंकि अगर हमारी जो बैक्टीरिया है उसकी अगर वॉल जो है सेल वॉल जो है वो हमारी पतली है बट हमने जो है सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा रख दिया है तो उस केस में हमारा जो है हाइपरटोनिसिटी हो जाएगी। और हाइपरटोनिसिटी में आपको याद हो तो उसमें क्या होता है हाइपरटोनिसिटी में जो हमारा बाहर जो होता है एनवायरनमेंट में सॉल्ट कंटेंट ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हमारा जो सेल के अंदर का वाटर होता है या फिर फ्लूड होता है वो हमारा एनवायरनमेंट में आ जाता है टोनिसिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो वही केस हमारा यहाँ होगा, अगर हम बैक्टीरिया को ज़्यादा सॉल्यूट प्रोवाइड करा देंगे तो वहाँ पर हाइपरटोनिसिटी हो जाएगी और जो हमारा बैक्टीरिया के अंदर का सॉल्यूट है मतलब अंदर का जो हमारा बैक्टीरिया के अंदर का जो वाटर है वो हमारा सोल्यू मतलब एनवायरनमेंट में आ जाएगा और बैक्टीरिया जो है वो हमारा किल हो जाएगा। तो इसलिए हम जो है अलग अलग बैक्टीरिया को उसके सेल वॉल के अकॉर्डिंग जो है सोल्यूट कंटेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में 7 मार्क्स में 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें हमारा जो है एक ग्राफ प्लॉट होगा बैक्टीरिया की ग्रोथ और हमारे टाइम के बीच में, उसी को हम कहते हैं ग्रोथ कर्व। चलिए इसको देख लेते हैं। इस तरीके से हमारा जो है ये ग्राफ प्लॉट होगा, एक तरफ हमारा वाई एक्सिस पे जो हमारा बैक्टीरिया की ग्रोथ रखी जाएगी और हमारा एक्स एक्सिस पे जो हमारा टाइम फेज रखा जाएगा। हम इसमें जो है इसमें 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा लैग फेज, सेकंड होता है हमारा लॉग फेज, फिर आता हमारा स्टेशनरी फेज और फिर आता हमारा डिक्लाइन फेज। चलिए इसको ग्राफ के हेल्प से ही समझेंगे। पहले हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। व्हेन अ ग्राफ प्लॉट बिटवीन ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड द टाइम फेज इज कॉल्ड ग्रोथ कर्व। जब हम जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को और हमारे टाइम के बीच में हम जो है ग्राफ प्लॉट करते हैं उसी को हम जो है ग्रोथ कर्व कहते हैं। अब इसमें जो होता है हमारा 4 फेज होते हैं, अब उसको कैसे याद करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है लैग फेज। लैग फेज में क्या होता है, हम जो है कल्चर मीडिया में जब हम बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उस स्टार्टिंग के जो हमारा 3 से 4 घंटे जो होता है उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट पर हमारी जो ग्रोथ होती है उसे हम कहते हैं लैग फेज। लैग फेज में आप देख सकते हैं बहुत ही स्लो रेट से हमारे टाइम के अकॉर्डिंग बहुत ही स्लो ग्रोथ हो रही है। फिर आता हमारा लॉग फेज। लॉग फेज तब होता है जब हमारा जो हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से होती है, जैसे हमारा इस तरीके से हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है, इसमें बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ होती है और उस टाइम पे हमारा जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू न्यूट्रिएंट्स से, मतलब उसमें जो हमारा न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छी तरह होता है। बट हमारा स्टेशनरी फेज़ आता है, स्टेशनरी फेज़ में क्या होता है हमारा जो हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है वो हमारा ख़त्म होने लग जाता है। तो हमारा स्टेशनरी फेज़ में जो होता है हमारी ग्रोथ जो होती है बैक्टीरिया की वो हमारी स्टैटिक हो जाती है, मतलब स्टेशनरी हो जाती है, ना वो ज़्यादा बढ़ती है ना वो तेज़ी से घटती है। फिर हमारा स्टेशनरी फेज़ आता है, स्टेशनरी फेज़ के बाद जो आता है हमारा डिक्लाइन फेज़ आता है। डिक्लाइन फेज़ में जो होता है हमारा न्यूट्रिशन कंटेंट जो होता है हमारा कल्चर मीडिया में वो कम होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ है वो भी हमारी बहुत तेज़ी से गिरती है, उसी को हम कहते हैं डिक्लाइन फेज़। चलिए इन चारों को एक बार डिटेल में देख लेते हैं। तो उम्मीद है आपको जो है ग्राफ जो है याद हो गया होगा। इसमें बहुत ही इजी ग्राफ है। आप इस लैग फेज़ में जो है बहुत ही स्लो ग्रोथ होगी, फिर हमारे लॉग फेज़ में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होगी, फिर हमारे स्टेशनरी फेज़ में मतलब नॉर्मल होगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, फिर हमारा डिक्लाइन फेज़ में जो है हमारी ग्रोथ जो होती है वो हमारी डिक्लाइन होने लग जाती है। तो आप इसको जो है ग्राफ को इसके नाम से मतलब फेज़ जो हमारे 4 फेजेस हैं उनके नाम से भी हम इसको याद कर सकते हैं। चलिए इन चारों फेजेस को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा लैग फेज़। लैग फेज़ में क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा कोई भी ग्रोथ नहीं होती, या फिर हम कह सकते हैं बहुत ही कम ग्रोथ होती है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, बिकॉज कल्चर मीडिया इज़ जस्ट प्रिपेयर्ड। ये वो टाइम होता है जब हमने जो है जस्ट कल्चर मीडिया जो हमने प्रिपेयर करके रखा ही है उसमें जो हमने कल्चर मतलब जो हमने बैक्टीरिया जो हमने इंट्रोड्यूस कराए हैं और उसको इनक्यूबेशन के लिए रखा है, तो उस टाइम पर जो हमारी ग्रोथ जो होती है बहुत ही कम होती है,
या हम कह सकते हैं इसमें जो होता है हमारा ग्रोथ जो होती है वो हमारे बिल्कुल ना के बराबर होती है। ये जो होता है हमारा 2 से 3 घंटे का होता है लैग फेज़। फिर आता हमारा लॉग फेज़। लॉग फेज़ क्या होता है, हमारा लैग फेज़ के बाद हमारा लॉग फेज़ आता है। इसमें जो होता है हमारा मैक्सिमम ग्रोथ फेज़ बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है बैक्टीरिया की। इसमें जो होता है हमारा सबसे ज़्यादा जो होता है बैक्टीरिया ग्रो होते हैं इसी फेज़ में, क्योंकि इसमें जो होता है दे प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस एट एक्सपोनेंशियल रेट। जो हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा एक्सपोनेंशियल रेट से जो है रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब एक्सपोनेंशियल रेट से जो होता है हमारा ग्रो होते हैं। इसमें जो होता है लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब जो हमारा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है वो हमारा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब हमारा जो है जो हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, हमारा जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनसे, मतलब जितने बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनके अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए हमारा जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो हमारा न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जो अपनी ग्रोथ को शो करते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड फेज़। थर्ड फेज़ में जो होता है स्टेशनरी फेज़ होता है। इसमें क्या होता है हमारा ग्रोथ स्टॉप एंड इट मे बी स्टेशनरी, मतलब इसमें जो होता है हमारा ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ना बढ़ती है ना घटती है, इसलिए हम इसको स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। स्टेशनरी का मतलब ही होता है हमारा कि मतलब स्टेशनरी मतलब होता है मतलब रुका हुआ। बिकॉज नंबर ऑफ बर्थ इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ, मतलब इसमें क्या होता है हमारा जितने हमारे बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, मतलब जितने हमारे बैक्टीरिया जो हैं जन्म ले रहे हैं उतने ही हमारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मरते भी हैं, तो इसलिए हम इसको जो है स्टैटिक फेज़ कहते हैं या फिर हमारा स्टेशनरी फेज़ कहते हैं। इट हैपन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशनल मीडिया, मतलब इसमें जो होता है हमारा न्यूट्रिशन जो होता है हमारा कल्चर मीडिया में वो हमारा ख़त्म होने लग जाता है या फिर हमारा जो होता है मतलब कम होने लग जाता है, तो उसमें उसके वजह से हमारा जो है स्टेशनरी ग्रोथ फेज़ आता है। फिर सबसे लास्ट आता है हमारा डिक्लाइन फेज़। डिक्लाइन फेज़ में क्या होता है हमारा डेथ फेज़, इसे हम डेथ फेज़ भी कहते हैं। बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग बिकॉज नंबर ऑफ बैक्टीरिया इज़ मोर देन न्यूट्रिएंट्स मीडिया, मतलब जितना हमारा इसको हम जो है सबसे पहले हम इस डिक्लाइन फेज़ को हम जो है डेथ फेज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है हमारा बैक्टीरिया जो होता है हमारा मरना स्टार्ट कर जाते हैं, क्योंकि हमारा जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया है बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, अब उसके अकॉर्डिंग जो हमारा न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो बहुत कम प्रेजेंट है। अब कल्चर मीडिया में जितना न्यूट्रिएंट्स था वो धीरे धीरे बैक्टीरिया ने कंज्यूम कर लिया है, अब बैक्टीरिया तो बढ़ गए हैं बट हमारा न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो हमारा ख़त्म होने लग जाता है, तो हमारा न्यूट्रिएंट्स ख़त्म होने की वजह से हमारा बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारा अलाइव नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से वो मरना स्टार्ट कर देते हैं, और इसी को हम कहते हैं डिक्लाइन फेज़। डिक्लाइन फेज़ में जो हमारी ग्रोथ जो होती है वो हमारी बहुत तेज़ी से घटती नज़र आती है, मतलब डिक्लाइन होती है। तो इसी तरीके से हमारे ये 4 फेज़ होते हैं हमारे ग्रोथ कर्व के। सबसे पहला होता है लैग फेज़, फिर आता है लॉग फेज़, फिर आता है स्टेशनरी फेज़ और फिर आता है हमारा डिक्लाइन फेज़। चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा ग्रोथ कर्व जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है और उम्मीद है कि आप सभी को आज की वीडियो जो है बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज की वीडियो में हमने जो है 2nd चैप्टर को हाफ कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ तक ग्रोथ कर्व जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आज की वीडियो में हमने स्ट्रक्चर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखा था, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखी है बैक्टीरिया की, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देख लिए, रॉ मटेरियल यूज फॉर कल्चर मीडिया ये भी हमने पढ़ लिया था, फिजिकल पैरामीटर्स कौन कौन से होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को, और हमारा ग्रोथ कर्व यहाँ तक हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आइसोलेशन प्रिजर्वेशन ए मेथड फॉर प्योर कल्चर्स, और बाकी बचे हुए जो भी टॉपिक्स हैं हमारे 2nd चैप्टर्स के वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वैसी बहुत लंबी हो चुकी है। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जिन भी फ्रेंड्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स प्रैक्टिकल फाइल्स या प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।